नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। कठुआ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दे चलें कि यहां पर एक गोलीकांड का मामला जो है वो सामने आया है, और इन सब पे हमारे साथ ही अभिषेक जी वहां पर जो है वो हमारे साथ फोन पर जुड़ चुके हैं। इनसे पूरे मामले की जानकारी लेंगे और बताएंगे आप लोगों को कि आखिरकार क्या कुछ पूरा मामला जो है वो वहां पर पेश आया। हालांकि अब तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक कई सारे जख्मी होने के लोगों की जो है वो खबरें वहां से सामने आई है। और क्या पूरा मामला, अभिषेक जी क्या मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। अभिषेक जी बताएं क्या कुछ पूरा मामला हुआ है और कहां पर हुआ? अच्छा जी, जो जगह है ये एक चक गोटा नाम की एक जगह है मगरखट के पास, वहां पर एक गुज्जर बस्ती है। और बता दें आपको कि आज सुबह 5:30 बजे के करीब वहां पर पुलिस का, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस नजदीक आ रही है, रोजाना हम देख रहे हैं कि पुलिस की ओर से सिक्योरिटी चेकअप जो है वो लिहाजा उसके किया जा रहा है, और उसी को आज सिक्योरिटी रूटीन चेकअप के लिए यहां पर आज पुलिस ने वहां पर आज पुलिस की गश्त वहां पर की गई थी। और उसके आप बता दें आपको कि उसी के साथ कि वहां पर स्थानीय लोगों के साथ वहां पुलिस की जब्त जो है वो वहां पर सामने आई है। कुछ लोगों की वहां पर पुलिस और लोकल्स की वहां पर हताहत होने की खबर जो है वो भी सामने आई है, लेकिन अभी तक कितने लोग जो है वो जख्मी हुए हैं अभी तक इसकी पुष्टि जो है वो आज सामने अभी तक नहीं हुई है। लेकिन बड़ी खबर वहां से यही है कि आज पुलिस और वहां के लोकल्स की जब्त जो है वो सामने आई है। रूटीन चेकअप की वजह से कुछ लोगों को जो है वहां पर अभी रिमांड में भी लिया गया है, कुछ लोगों को जो है वो पुलिस द्वारा डिटेन भी किया गया है। कितने लोगों की जख्मी होने की खबर है, कुछ जानकारी है? अभी तक तो जहां पर पुलिस के हताहत होने की खबर है वो सामने आई है, लेकिन कितने लोकल्स है वहां पर अभी ये बात समझ नहीं आई है कि कितने लोकल्स जो है वो भी इसका जो है वो इसमें जो है जख्मी हुए हैं। अभिषेक जी क्या लगता है कि मतलब 15 अगस्त को मद्देनजर रखते हुए ये सिक्योरिटी को वहां पर टाइट किया गया था, चेकिंग की जा रही, जिस दौरान कुछ लोगों को रोकने की कोशिश की गई और उन्होंने आगे से जो है फायर खोल दिए? बिल्कुल, इसी तरह का जैसे हम देख रहे हैं कि जगह जगह पर पुलिस द्वारा डिटे जो 15 अगस्त को लेकर जो है वहां पर सिक्योरिटी चेकअप जो है वो की जा रही है। लगातार हम देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा कभी सांबा में कभी कठुआ में उसी तरह की आज एक रूटीन चेकअप वहां पर आज की गई थी। और वहां पर आज सुबह 5:30 बजे का ये वाकया है, वहां पर एक गुज्जर बस्ती है, वहां पर सुबह लोग निवास पढ़ने भी जाते हैं। और वहां के स्थानीय लोगों का यही कहना है कि अगर कुछ ऐसा मामला था, अगर जिस तरह पुलिस द्वारा कहा जा रहा है कि किसी सिक्योरिटी चेकअप की वजह से वहां पर आज ऐसा किया गया है, वहां पर पुलिस की गश्त तैनात की गई थी। और उसी के साथ बता दें आपको कि वहां के लोकल का यही कहना है कि अगर कोई ऐसे लोग अगर किसी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल है तो उन पर जो है वो कार्रवाई की जाए, लेकिन लोकल्स को जो है वो परेशान नहीं की जाए। फिलहाल कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है इस पूरे मामले में? 1 से 2 लोगों के जो गिरफ्तार होने की बात जो है अभी तक सामने आई है। तो अभी ये पूरा कौन से इलाके का ये पूरी वारदात है? ये है चक गोटा नाम की एक जगह है, वहां पर एक गुज्जर बस्ती है। जी, तो अब पुलिस वहां का ये पूरा वाक्य है जहां पर 1 से 2 लोगों के डिटेन होने की बात अभी तक जो है वो सामने आई है। तो अभी फिलहाल वहां पर कोई किस तरह का कोई सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, कोई किस तरह की इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है? बता दें आपको सर्च ऑपरेशन सुबह किया गया था, उसके बाद जो है 8 बजे के करीब ये सर्च ऑपरेशन जो है वहां पर खत्म कर दिया गया। वहां पर सुबह बता दें आपको कि पुलिस के अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, उसके साथ वहां पर 1-2 गिरफ्तारी जो है वो भी पेश आई है। उसके साथ वहां पर लोगों ने वहां पर प्रदर्शन भी किया है पुलिस के खिलाफ। उनका ये कहना है कि अगर कोई इन सब एक्टिविटीज में अगर शामिल है तो उसको डिटेन किया जाए, लेकिन लोकल जो लोग हैं, जो बच्चे जो है, कहा जा रहा है कि महिलाओं के कपड़े जो है वो भी फाड़ने का कहीं ना कहीं वाक्य जो सामने आया है। लोगों द्वारा वहां पर प्रदर्शन भी किया गया है, कहा जा रहा है कि पुलिस द्वारा वहां पर राउंड फायर जो है वो भी किए गए हैं। अभिषेक जी किस तरह से लोगों में वहां पर किस तरह का एक दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है, बताएंगे? बता दें आपको कि पहले उनका ये कहना है कि पुलिस द्वारा पहले भी सिक्योरिटी को लेकर जहां पर चेकिंग की जाती थी, लेकिन आज तक ऐसा जो वाक्य है वो सामने नहीं आया है। लेकिन आज पहली बार पुलिस द्वारा वहां पर राउंड फायर जो है वो निकाले गए, जिसके वजह से बच्चे जो है वहां पर आज काफी ज्यादा सहमे हैं, काफी ज्यादा वहां पर आज माहौल जो है वो तनावपूर्ण हो चुका है। पुलिस पर भी फायरिंग हुई है? ये अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस की ओर से भी वहां पर फायरिंग हुई है, और राउंड फायर शायद उनकी वजह से वहां पर जो तेज तरह हथियार है उन पर भी जो है पुलिस की ओर से वहां पर उन पर जो है आज अटैक किया गया है पुलिस की ओर से। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ फोन पर जुड़ने के लिए।
तो हमारे साथ ही कठुआ से अभिषेक जी हमारे साथ फोन पर जुड़े हुए थे, जिन्होंने पूरी जानकारी पूरे ग्राउंड पे किस तरह के हालात वहां पर बने हुए हैं वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचाई है। और चक गोटा इलाका है ये, यहाँ का कठुआ का, यहाँ पर ये गोलियां चली हैं और जिसके नतीजे में कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। उसी के साथ साथ पुलिस के लोग भी जो है वो जख्मी हुए हैं। आपको बता दें कि 15 अगस्त को लेकर जम्मू में सिक्योरिटी को काफी ज्यादा जो है वो चप्पे चप्पे पर टाइट किया गया है। ऐसे में कुछ लोगों को वहां पर नाके पर जो है वो चक गोटा इलाके के मुकाम पर वहां पर रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन वहां से अचानक जो है वो गोलियां जो है वो चलाई जाती हैं, जिसके नतीजे में कुछ लोग जो है वो जख्मी हुए हैं और पुलिस के भी कुछ ऑफिसर जो है वो इसमें जख्मी बताए जा रहे हैं। हालांकि कोई भी इस तरह की फिलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी जो है वो साझा नहीं की गई है। एसएसपी कठुआ की बात करें तो उनकी जानिब से कोई इस पर जो है वो अभी तक मीडिया में जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, लेकिन जैसे इस सवाल से कोई और भी सुराग निकलकर सामने आते हैं वो भी हम आप लोगों तक जरूर रखने के लिए। कठुआ से इस वक्त बड़ी खबर है, यहाँ पर गोलीकांड का मामला सामने आया है और पुलिस ने कुछ लोगों को जब वहां पर नाके के दौरान रोकने की कोशिश की तो वहां से उन्होंने भागने की कोशिश की और आगे से कई सारी गोलियां चलाई। फिलहाल पुलिस ने कुछ लोगों को इस पूरे मामले को मद्देनजर रखते हुए हिरासत में लिया और इलाके को खंगालने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि 15 अगस्त आने वाली है तो एक बार फिर से एक बड़ी साजिश को जो है वो अंजाम देने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें वो लोग जो है वो अपने मकसद में नाकामयाब रहे हैं। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।